Mm-hmm. <clears throat> गुड मॉर्निंग बच्चों ध्यान दीजिएगा अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया विद uh, फिर से स्टार्टिंग से विद बिजनेस इकोनॉमिक्स तुम लोग को तुम लोग को लास्ट सेशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स से एक बार को मीनिंग बताया था देन उसका नेचर का अपन लोगों बात अपन लोग बात कर रहे थे ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं एक बार वहां से वापस तो एक बार अपना स्पायरल हाँ स्पायरल में निकाल लो ये सारा चीज एक बार यहां से गो थ्रू करते हैं इसमें क्या क्या चीज पढ़ने का रहेगा क्या क्या चीज नहीं पढ़ने का बता देता हूं मैं है ना नहीं पढ़ने का पहले बताऊ बता, बता देते हम्म पेज नंबर वन टू थ्री में से कुछ होगा ठीक है ओके देखिएगा ह्यूमन बीइंग्स अच्छा अगर अपन इकोनॉमिक्स का बेसिक्स का बात करें तो ये बात अपन ने उस दिन भी किया था कि ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड द मींस ऑफ वांट्स आर रिलेटिवली दीज टू फंडामेंटल फैक्ट्स form the subject matter of economics. Economics is concerned with the study of how effectively an individual. So, economics is concerned with the study of how effectively an individual and society uses its limited resources to satisfy infinite wants.

तो इस कारण हमको इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज क्या करना रहता है मैनेजमेंट करना रहता है सो इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउ अ नेशन एलोकेट्स इट्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू वेरियस यूज़ एंड द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज इज इज इंक्रीज द फैक्टर्स व्हिच हैव लेड टू शार्प फ्लक्चुएशन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्विकली अच्छा तो ये तो बात हुई इकोनॉमिक्स का कि सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड उनका alternative, का कि किस तरीके से उन लिमिटेड इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है Fine. अभी यहां पे क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है डिसीजन मेकिंग इन इकोनॉमिक्स अभी डिसीजन मेकिंग का बात क्यों कर रहा है सुनना क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप क्या कर रहे हैं हमने ऐसा बताया आपको कि आपके रिसोर्सेज के क्या है

बहुत सारा ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं तो इतने सारे alternatives में से जब हमको कोई एक पर्टिकुलर यूज को सेलेक्ट करना हो तो देयर वी आर फेसिंग व्हाट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो उधर वी आर मेकिंग अ डिसीजन हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग डिसीजन ले रहे हैं डिसीजन किस चीज का कि भाई मेरे को क्या करना ना इतना सारा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अच्छा डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक्स में भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो है ही क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में तुम क्या कर रहे हो बिजनेस डिसीजन ही तो ले रहे तो इसीलिए अपन को यहां पे शिवांशु क्या दिया है रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग दिया इन इकोनॉमिक्स तो चलो बात करते हैं एक बार डिसीजन मेकिंग इज वॉट तो सर इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव

है ना ट्वेल्थ करने के पास ढेरों थे है ना कि तुम मतलब कोई भी कोई भी फील्ड में ऐसा अपना करियर बिल्ड कर सकते थे है ना बट तुमने क्या करा तुम लोगों ने जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो ऑप्शन था रिगार्डिंग करियर रिगार्डिंग रिगार्डिंग एजुकेशन और नॉलेज तुमने उसको चूज करा तुमने सी चूज करा तो तुम लोगों ने भी क्या करा था डिसीजन लिया था

इवेलुएशन ऑफ फिजिबल ऑल्टरनेटिव रैशनल जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड चॉइस ऑफ द मोस्ट सुटेबल ऑल्टर तो डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं अपना कि जितना भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप समझदारी से रैशनलिक अपना डिसीजन लेते हैं कि हाँ ठीक है यह करना वेदर दिस विल बी राइट और रॉन्ग डिसीजन मेकिंग केवल वहीं पे आता है जहां पे हो, जहां पे चॉइसेस अवेलेबल अवेलेबल हो नहीं तो वहां पर तो सवाल उठता ही नहीं ठीक है ना तो इसका रोल क्या है इकोनॉमिक्स में व्हाट इज द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन इकोनॉमिक्स इन इकोनॉमिक्स लेबर कैपिटल मैनेजमेंट आर लिमिटेड एंड कैन बी एम्प्लॉयड इन ऑल्टरनेटिव यूजेस

ऐसा कोई डिसीजन विच विल अफेक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ या लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस ऐसा कोई डिसीजन जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म ग्रोथ या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करता है दैट इज डिसीजन ठीक है वहीं अगर वन बात करें कुछ शॉर्ट टर्म या कैन से डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो डिसीजन ले आते हैं दोज आर आर टैक्टिकल ठीक है दीज द टैक्टिक्स बेसिकली तो दो, so, दो तरह का डिसीजन है तुम्हारे पास बिजनेस स्ट्रेटेजिक वन इज वन ठीक है दूसरा टैक्टिकल वन टैक्टिकल वन इज मेनली रिलेटेड टू दू डे टू डे और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एज बिकॉज दिस इज ऑप इसका दूसरा नाम है ऑपरेशनल ऑपरेशनल मीन एनीथिंग थिंग विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑपरेशनल प्रोडक्शन ठीक है? तो प्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो प्रोडक्शन मतलब कौन से उसमें आ आ अपन? अपन फिर उसमें तो दीज देस दी 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 आर दो स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म आती ठीक है जैसे समझो एक कोई फॉर्म है ए ये फर्म में डिसाइड करता है कि भाई इट विल गेट मर्ज विद फर्म बी एंड दे विल फॉर्म अ फर्म विच विल बी कॉल्ड एस ए बी तो विच टाइप ऑफ डिसीजन इट इज इज इट अ स्ट्रेटजिक वन और अ टैक्टिकल वन तो सर इट विल बी अ स्ट्रेटजिक वन है ना दिस इट विल बी अ स्ट्रेटजिक वन इट विल लिटरल अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स ऑफ द फर्म ऑफ द बिजनेस क्लियर है बात वही फर्म ये, ये सोच रहा है कि क्या करेंगे अपन अगले महीने या दो तीन महीने बाद एक नए एरिया में अपनी एक नई ब्रांच एक नया ऑफिस डालते हैं एक अपनी एक और ब्रांच स्टैब्लिश करते हैं तो ये किस तरह का डिसीजन हुआ ये ऑपरेशनल हुआ ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म को अफेक्ट नहीं करेगा मैं तो पूछ रहा दोनों हो सकते स्ट्रेटेजिक होगा ठीक है स्ट्रेटेजिक क्यों होगा लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेगा। अब ये जो मतलब समझो अगर तुमने एक एडिशनल ब्रांच ओपन किया है तो यहां पे कहीं ना कहीं तुम अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाह रहे एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना इज समवेर रिलेटेड टू दी ऑपरेशनल एस्पेक्ट। ठीक है सुनना मेरी बात प्रोडक्शन इंक्रीज करना इज समवेयर रिलेटेड टू ऑपरेशनल एस्पेक्ट तो ये फिर किस में आ जाएगा टैक्टिकल डिसीजन ठीक है किस में जाएगा? आ जाएगा हाँ ऐसा चीज चलो अब यहां तुमको कुछ टाइप्स ऑफ डिसीजन दिया रहा जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए तुमको वही स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल्स के ठीक है देखो शट डाउन और कॉन्टिन्यूटी कौन, बिजनेस लाइक मतलब किस किस तरह के डिसीजन लेने पड़ सकते हैं बिजनेस को तो यार यारिजनेस like लाइक बंद कर दे बिजनेस या चालू रखें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दें क्या वर्ष शुड बी ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो हमको प्रोड्यूस करना चाहिए जो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा कौन सा मैथड ऑफ प्रोडक्शन हम लोग ऐसा यूज करें ठीक है रॉ मटेरियल वगैरह ये किससे ऐसा हम लोग अक्वायर करें जहाँ पे हमको सस्ता पड़े या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़े क्या है ना देखो <coughs> मंगलानी जी मेरे पास दो रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं ठीक है एक आलू और एक कचालू ठीक है ये दोनों रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं अभी आलू जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है मेरे को पर केजी के कचालू जो है वो मेरे को आठ रुपए पर केजी के जी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल सप्लाई करता है पर यहां आलू से जब मैं सामान लेता हूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टेज जीरो बट मैं कचालू से सामान लेता हूं तो मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टेस कितना मान के जला दो रुपए अच्छा तुम्हारे घर से लाए हो क्या दो रुपए इट इज uh, हाँ अरे रुक जा रे जबरदस्ती पचास इट इज वन यूनिट। इट इज वन रुपी पर यूनिट तो बोले सर किससे अक्वायर करें तो वहां पे फिर आपको देखना रहेगा कि कितना क्वांटिटी तुम लोग मंगवा रहे है, है ना और फिर तुम उस चीज को इवेलुएट करोगे कि, कि कौन सा रॉ मटेरियल को सप्लाई चूज करना चाहिए तो ये भी तरह का डिसीजन है है दैट इज देन मेक मेक और और बाय बाय मतलब मतलब भाई कोई चीज़ है जो मतलब अब मैं जिस चीज जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कर रहा हूँ तो या तो वो गुड्स मैं खुद से प्रोड्यूस कर लू है ना या मैं चाहू तो वो ही गुड्स बाहर से खरीद करके या किसी और से बनवा करके फिर मैं मार्केट में सप्लाई करूँ ठीक है तो ये भी तरह का डिसीजन रहता है तो तुम बर्फ खुद बनाते हो या बाहर से मंगाते हो अच्छा खुद बनाते हो तो देख रहे ये इनका डिसीजन था बर्फ बनती कैसे मशीन से बनती कैसे बनती है बर्फ से मशीन मशीन से बर्फ हाँ और बाहर बर्फ रहती है इतनी जल्दी वाह यार क्या भयंकर मशीन है पाँच छः मिनट में कभी तुमने नहीं कोशिश करी <laughs> फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी कौन सी यूज में लें है ना किस तरह से खुद के प्रोडक्ट को मार्केटाइज करें किस तरह से इसका जो है प्रेजेंस शो करें मार्केट में कि भाई देखो ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है टू कंसीडर क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक तो बिकेगा नहीं माल है ना तो इस तरह का डिसीजन भी रहता है फाइनेंस आखिर डेट मोड के थ्रू जाना सही रहेगा कि इक्विटी मोड के थ्रू अच्छा

रॉ मटेरियल हो गया लेबर का सप्लाई हो गया कोई तरह का सर्विस लेना तो दैट इज कॉल्ड प्रोक्योर ये पढ़ के देखो सारा प्रोडक्शन <coughs> मैथड कैसे आएगा स्ट्रेटेजिक में टेक्टिकल में नहीं आएगा इट इज रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन डायरेक्टली तो बड़ा प्रोडक्शन का मेथड तो चेंज भी तो हो सकता है आगे चल के उसमें क्या है कंसिस्टेंसी तरह स्ट्रेटेजिक और इसका टैक्टिकल का रिलेशन है ही नहीं तो जबरदस्ती किसी को किसी और से लिंक कर रहा होंगे ही नहीं है हाँ, हाँ, हाँ तनिषा माइक कौन कर दिया मैंने ओके ओके मैं भूल गया था समझ गया मैं तेरी बात ओके मैं भी वही देख रहा कोई बात मैंने ऐसा बोला कि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ डिसीजंस कि किस किस तरह का डिसीजंस हमको लेना पड़ता है डिसीजंस no, का नेचर क्या बेसिकली तो हमको जानने को मिला द नेचर ऑफ डिसीजन इज इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स कि ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमको कुछ डिसीजंस लेना पड़ता है इन द इवेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी ठीक है तो हेंस डिसीजन मेकिंग

उसको शांत रह करके विपरीत विपरीत स्थितियों में क्या लेना चाहिए डिसीजन लेना चाहिए तुमको युधिष्ठिर की तरह तुम्हारे मन को स्थिर होना मांगता है ठीक है और अर्जुन की तरह एकाग्रचित होना मांगता है ठीक है चलो नाउ नहीं मैं घर देख लूंगा अब देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया है लक्ष्य

इन दमुलेन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़ एंड टू मेक की बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स रिसोर्स तुमको फिर बताया भी था मैंने कि भाई हम ये इकोनॉमिक टूल्स को यूज में क्यों ले रहे हैं the यही बात क्या अपन ने यस बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एज अप्लाइड इकोनॉमिक मतलब इट है प्रैक्टिकल अप्रोच ठीक है

because it refers to the integration of economic theory with business practice. theory of economics provides the tools which explain concepts like demand and supply, cost, price, competition, and business economics applies these tools in the process of decision-making. fine. business economics comprises of that part of economic knowledge, your logic, your theories, and analytical tools that are used for rational decision-making. ठीक है ताकि आप ऐसा कुछ इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सको इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सको फिर अपन ने बात किया था तबजोत नेचर का बात किया था अपन ने नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हाँ एक बार चेक कर लेते हैं बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग एक तरह का टूल है जो तुम मैथ्स में पढ़ते हो एल पी पी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तुम्हारे इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी तो है शायद लीनियर प्रोग्रामिंग पहले तो था सिलेबस में अभी भी होगा तो तुम पढ़ोगे वैसे भी उसमें ठीक है एक्चुअली बेटा इट इज मैथमेटिकल टूल टू जिसने पढ़ा होगा तुम लोग ने वहाँ पे LPM में प्रौर्टेशन प्रौर्टेशन किया होगा है मनन गुप्ता है ना अब उसमें क्या होता था ना जैसे कोई एक डिपो है कोई एक फैक्ट्री है वो तीन अलग अलग डिपो से ऐसा सामान मंगवा रही है फिर वो अपना सामान बना के भेज रही है तो उसमें फिर वो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रॉफिट ये सारी चीज का वो निकलता है ना मेरे मेरे जमाने में ठीक है तुम भी कोर के हो तो तुम बाहर निकलो ना यार ठीक है अभी चेंज हो गया क्योंकि तेरे तेरे अच्छी मार्क्सर आता है

सर इट इज अ मिक्सचर ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिकल है ना ये इट इज अ ब्लेंडिंग ऑफ थ्योरी विद प्रैक्टिस कैसे लक्ष्य थोड़ा एक्सप्लेन करें जरा इसको एक बार आप क्या थोड़ा बताएं एक बार इसको प्लीज इसको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करो ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस देखो क्या खुद ही बोल रहा है इकोनॉमिक थियोरी केवल केवल तभी प्रूफ हो सकते हैं जब वो कुछ अजम्शन पे बेस्ड हो सो यूज देर इज अ गैप बिटवीन द प्रपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक थियोरी एंड है रियल इकोमिक वर्ल्ड

का काम कर रहा है क्योंकि पे तुम क्या कर रहे ये ही तो ले रहे ही तो ले रहे yes. so, to the तो ये तो लाइफ के ऑन द ऑफ दिस यस इट इज प्रेगमेटिकोच विस अरे वही विच इज फुली बेस्ड ऑनश या ऐसा बोल सकते हैं इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर ओनली ऐसा ही बोल सकते हो इट इज सब्जेक्टिव मैटर ओनली है ना विच हैज नो एस प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ओके तो माइक जैसे मैंने बताया तुमको मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेजोरिटी ऑफ द लॉज चाहे लॉ ऑफ डिमांड चाहे लॉ ऑफ सप्लाई चाहे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चाहे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन तो जितना भी लॉज है तुम्हारा ये सर्टेन एजम्पन्स पे बेस्ड ऑन है एंड इट ये सारा माइक्रो में ही दिया है सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट यानी एंड प्योरली थेरेटिकल एंड एनालाइजेस इकोनॉमिक फिनोमिना अंडर सर्टेन एजम्पन्स ओनली हाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इट इज मोर प्रैक्टिकल इन इट्स अप्रोच एज इट टैकल्स practical problems which the firms face in the real world then it is interdisciplinary interdisciplinary matlab मतलब business economics ki jab baat karte na to tum kya karte hai alag alag subjects ke अलग-अलग components को combine करते हो. just like the lp वाला problem lp is of ek math is of math then regression का बात क्या था? regression is a statistical tool ठीक है तो तुम क्या कर रहे अलग अलग सब्जेक्ट्स के थियोरीज को ऐसा मिक्स कर मिक्स करके यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज में लेते हो तो अपन क्या बोल रहे हैं इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ऐसा मान लो इट इज इंटरडिपेंडेंट डिपेंडेंट बी ई इज डिपेंडेंट अपॉन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल ऐसा बोलना चाह रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटर

इकोनॉमेट्रिक्स तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स इट इज इट इज अचर ऑफ दीज सब्जेक्ट एज वेल ठीक है इट इन कॉर्पोरेट्स दियोरीज ऑफ दीज सब्जेक्ट तो दैट इज वाई इसको इंटर डिसिप्लिनरी बोला गया है इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब समझे विशाल नहीं समझे विशाल विशाल के बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए या बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो दूसरे सब्जेक्ट पे भी डिपेंडेंट है कौन कौन से सब्जेक्ट पे तो तुम लोग तुमको लिस्ट दिया है लाइक मैथ्स ऑपरेशन रिसर्च जिसको ओ आर बोलते मैनेजमेंट थ्योरी अकाउंटिंग थ्योरी मार्केटिंग फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स इकोनोमैटिक्स तो इन सभी चीजों पर डिपेंडेंट है कौन बी ओके okay, ऐसा फिर याद करो बताया था वेदर इट इज अ साइंस और आर्ट तो बोला गया था दोनों है है ना एक बार इसको पढ़ के देख लो जल्दी से खुद से क्योंकि ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था जल्दी से पढ़ के देख लो इस वाले पॉइंट को <coughs> ठीक है पढ़ लिया <coughs> में कुछ नया नहीं था वही कह रहा था जो तुम लोग को बताया गया इसलिए तुमको बोला जल्दी पढ़ के देख लो चल आगे बढ़ते हैं अब यूज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल ये भी तुमको बताया गया कि इसमें इस 80 परसेंट माइक्रो 20 परसेंट माइक्रो है माइक्रो क्यों है क्योंकि जब हम कोई बिज़नेस डिसीजन ले रहे हैं तो दैट विल भी रिलेटेड हाँ उसके लिए इतने को क्या पता होना जरूरी है इंडिविजुअल बायर्स का इंडिविजुअल सेलर्स का है ना इंटेंशंस पता होना चाहिए साथ साथ अगर हम कोई बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं तो हमको जो एक्सटर्नल इन्वामेंट है उसका भी नॉलेज होना चाहिए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएँ ठीक है तो एक बार ये भी पढ़ो जल्दी से क्योंकि ये भी वैसा ही है साथ साथ ऊपर वाला ही पढ़ो ये भी पढ़ो विशाल पढ़ो बिजनेस मैनेजर बी बी अक्वेंटेड यानी ही शुड वेल मज मतलब उसके मतलब क्या कहते के हैं उसके पास ये सभी जो मैक्रो इकोनॉमिक जो टर्म मतलब जितनी भी ये टर्म्स है ना या कैसे बताऊँ तुमको जैसे समझो उसको ये नेशनल इनकम पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एक्सटेंडमेंट इन सब का नॉलेज होना चाहिए Well मतलब और कैसे बोलेंगे सुमन मतलब समझ रहे हो हाँ मतलब उस चीज का पूरा नॉलेज ज्ञान होना चाहिए हाँ निपुण होना चाहिए वो हाँ पढ़ाइए चलो आओ इधर नेक्स्ट एनालिसिस फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी व्यू पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है सुनना ये सब बोल रहा है उट बिजनेस इकोनॉमिक्स अब बिजनेस इकोनॉमिक्स तो तुमको किसका बेनिफिट देखना है बिजनेस का बेनिफिट देखना है, ले रहे हो तो विशाल तुम किसका मोटिव अच्छा, क्या रहता है profit. अब ये, profit कमाना, ये कौन सी तरह की इकोनॉमी का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है प्राइवेट इकोनॉमी बिजनेस इकोनॉमी अब कौन सी तरह की इकोनॉमी बिजनेस इकोनॉमी तूने बनाई है नई इकोनॉमी बिजनेस इकोनॉमी तो या तो इकोनॉमी क्लास होती है बिजनेस क्लास होती है इसने नहीं एक क्लास बनाई है बिजनेस इकोनॉमी क्लास बुद्धू बोलते हैं इसको मूर्ख बोलते हैं इसको नाइस बॉटल किसका है नहीं चाहिए तू ही रख इतना अच्छा ख्याल तुम्हारे मन में आया घासलेट <laughs> डाल के लाया गया पानी में <laughs> <laughs> हाँ तो मैं कुछ पूछा था आपसे भाई तीन तरह के इकोनॉमीज होता था ना सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट मिक्स्ड तो भई जैसे मैं कह रहा हूं बिजनेस तो बिजनेस का मोटिव क्या रहता है टू अर्न प्रॉफिट और ये प्रॉफिट अर्न कैन अर्न करना कौन सी इकोनॉमी का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, का तो वही बोल रहा ही है कि जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स का एनालिसिस कर रहे हैं है ना तो इट इज द एनालिसिस फ्रॉम

कल अगर रात भर बारिश आती तो फिर कल अजमेर में बाढ़ आ सकती थी तो ये मेरा एनालिसिस फैक्ट्स और फिगर्स की बेसिस पर है ऐसे फैक्ट्स जो मैंने अपनी आंखों से ऐसा महसूस किया समझ रहे और हाँ बहुत करीब से ठीक है हाँ क्योंकि मैं यहाँ यहाँ तक पानी में कल चला <laughs> मैं क्या बोल रहा हूँ मैं कल यहाँ यहाँ तक पानी में चला मेरे ऐसा मेरे घर में दो ढाई किलोमीटर में घर पहुंचने के लिए अच्छा तुम्हारी हाइट भी तो बढ़ी है So, क्या कह रहे हो तुम्हारे घर में आ गया पानी बिल्कुल भी नहीं आया तुम कहीं सब पहाड़ी इलाके पे रहते हो बच्चे तुम कैलाश पर्वत पे रहते हो हम थोड़ा क्या निचली बस्ती में रहते हैं बेटा तो हमारी तुम्हारी तो निचली और कच्ची अरे मोहित तुम्हारी तो निचली और कच्ची बस्ती में पानी जल्दी भर जाता है बेटा हाँ चलो देखो तो पॉजिटिव इज समथिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हिच डील्स विद कि व्हाट वाज व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी यानी पास प्रेजेंट फ्यूचर इन तीन चीजों से डील कर रहा कौन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यहां पे हाँ एक और चीज होता है कि जो भी स्टेटमेंट्स दिया गया ना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में दैट कैन बी वेरीफाइड फॉर ट्रूथ आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया क्या ये सही है कि ऐसा तो नहीं गलत दे रहे गलत बोल रहे तो क्या क्या खासियत होती है फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स वट वॉज वट इज वट वुड बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देन एक और चीज क्या बोला मैंने अभी बोला ना इट कैन बी वेरीफाइड फॉर ट्रूथ इसमें कोई भी तरह का पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है बट वैन वी टॉक अबाउट वन वॉट ऑट टू बी पे क्या होता है what ought to be. कि कैसा होना चाहिए हाँ, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। समझ रहे जैसे बता ना कि हमारे बिजनेस को आज से 20 साल बाद इस मुकाम पे पहुंचना पहुंच जाना चाहिए तो विजन वाला जो मैंने बात बोला था ठीक है तो वो नोम एस्पेक्ट हो गया तो वहां पे क्या है ना फैक्ट्स और फिगर्स की बात नहीं होती वहां पे विशाल हम बात कर रहे हैं किसका एक पर्सनल ओपिनियन का वैल्यू जजमेंट एंड इट कैन नॉट बी वेरीफाइड फॉर ट्रूथ उसको अपन वेरीफाई नहीं कर सकते तो फिर तुमको बताया था बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है क्योंकि जब आप बिजनेस का विजन लेके चल रहे हो तो वहां पे आप नॉर्मेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हो पर उस नौ उस विजन तक पहुंचने के लिए जब अपनी पास्ट की परफॉर्मेंस उसको प्रेजेंट परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हो फिर जब इंप्रूव करना चाहोगे तो वो किससे डील कर रहा है फिर पॉजिटिव आस्पेक्ट से है ना समझाया था हाँ चलो पढ़ो क्योंकि समझाया था तो पढ़ो Yes? क्या समझा क्या समझा सर क्या बताया इस महाशय ने एक्चुअली ऐसा बोल रहा है बच्चे कि अगर अपन ने बोला

वैसे नॉर्मेटिव पॉजिटिव में मेजोरिटी ऑफ पोर्शन किसका है का खत्म बात तुमको पता तो है सब यार हनुमान क्यों बन रहे हो तुम मतलब इनके पास छुपी हुई शक्ति है पर इनको अंदाजा नहीं है अब सुग्रीव तो नहीं बन सकता मैं तुम्हारे लिए क्या कह रहे हो एक पॉइंट कौन सा पॉइंट एर्थ पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट लक्ष्य ए पॉइंट समझाओ थोड़ा बच्चे को प्लीज तवजोत बताएगा तो तवजोत बताएगा तवजोत ने बहुत अच्छे से पढ़ा है <laughs> यह सब बोल रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो जनरली नॉर्मली मेजर मेजोरिटीज पे अगर देखोगे अपन ने तीसरे पॉइंट में बोला इस मेनली डिपेंड्स अपॉन नॉर्मेटिव एस्पेक्ट जैसे तो बोले जैसे कि देखो अगर अपन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और आइडियाज को लगाने का बात करते हैं है ना कि बोले ये प्रिंसिपल यूज करना चाहिए फॉर टेकिंग बिजनेस अब वो सही रहे, वो सही मतलब ऐसा रहेगा नहीं रहेगा उसका क्या ऐसा शॉर्ट सक्सेस वो रहेगा वो कुछ नहीं पता पर अपन क्या बोल रहे अब ऐसा बोल रहे हैं कि अपन को हर बिजनेस डिसीजन लेने के लिए क्या करना चाहिए इकोनॉमिक टूल्स और टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए तो दैट आल्सो कवर्स व्हाट नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऐसा यस और कुछ बोलो हुआ ये नाइस ना वट इज पॉजिटिव नॉमेटिव ये मैंने बताया आपको समझा दिया ये बता दिया ना मैंने आप लोग को तो पॉजिटिव साइंस क्या है इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर क्योंकि आपको बताता है हर चीज विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के पहले कैसा था अभी कैसा है आगे चल के कैसा होगा तो वो क्या है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कोई भी चीज का बट नॉमेटिव क्या है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है वो सिर्फ क्या है प्रिस्क्रिप्शन है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो हाँ ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है ऐसा कर लेना चाहिए वैसा कर लेना चाहिए समझ रहे डॉक्टर देता है ना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वैसा नॉमेटिव एक और चीज नॉमेटिव साइंस इवेल्यूएट दैट इज राइट और रॉन्ग ऑफ अ थिंग यहां पे तुम ये भी देखते कि भाई जो भी कोई दे रहा, जो भी चीज है वेदर इट इज राइट टू डू और नॉट ठीक है पॉजिटिव साइंस को डिस्क्राइब करता है वो ये नहीं बता रहा कि ये सही है कि गलत है वो तुमको एक्सप्लेनेशन दे रहा ठीक है पॉजिटिव साइंस या प्योर साइंस एनालाइजेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड इट डज नॉट पास वैल्यू जजमेंट पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे कोई जगह नहीं है नॉमेटिव में देखोगे इट इन्वॉल्व मेकिंग वैल्यू जजमेंट वैल्यू जजमेंट मतलब ऐसा खुद का ओपिनियन रखना

such as consumers, resource owners and business firms, whereas macroeconomic deals with the overall conditions and aggregates and averages of the entire economy, that is all the decision making units combined in an economy as a whole. Micro it is the study, it is the study of the economic behaviour of an individual firm or an industry, whereas macro it is the study of overall economic phenomena as a whole rather than individual parts. It is also called price theory, it is also called income theory.

It helps in devising economic policies for the nation as a whole, whether it is monetary policy, whether it is budgetary policy. Huh? So, the aspect covers in micro is product pricing, consumer behavior, factor pricing, economic conditions of a section of a society, study of firms, location of an industry, whereas national income, general price level, balance of trade, external value of money. सेविंग इन्वेस्टमेंट इंप्लॉयमेंट ये सारा तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है ठीक है एग्जाम्पल नाउ स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब ऐसा कौन कौन सा एरिया है ऐसा कौन कौन सा एरिया है ऐसा कौन कौन सा स्टडीज है जिसपे इकोनॉमिक्स का ऐसा अपन एप्लीकेशन देख सकते हैं तो देखो इसमें दो चीज बताया गया था उनको पहले भी

इंटरनल की बात कर लेते पहले ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज इंक्लूड ऑल दोज इश्यूज दैट दी बिजनेस फॉर्म एंड फॉल विद इन दी परोल मैनेजमेंट ऐसा कुछ भी चीज जो मैनेजमेंट में कंट्रोल में है दैट इज इंटरनल इशू और दी माइक्रो एग्जाम्पल्स इशू रिलेटेड टू चॉइस ऑफ बिजनेस एंड साइज प्रोडक्ट डिसीजन टेक्नोलॉजी फैक्टर कॉम्बिनेशन प्राइसिंग एंड सेल्स प्रमोशन फाइनेंसिंग

गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज को हमको ध्यान में रखना जाता है चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो चाहे फिर वो सब्सिडी से रिलेटेड हो तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कॉम्पिटिशन पॉलिसी मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसी फॉरिन ट्रेड पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन ये सारा चीज इसमें आता है वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन दी एक्सटर्नल सेक्टर्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक दी ट्रेड यूनियंस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज

क्योंकि ये चीजें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तुम कोशिश करो कि तुम्हारी पॉलिसी या तुम्हारे बिजनेस के डिसीजन कुछ इस तरह से हो कि अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में कुछ चेंज आया भी तो इसका एडवर्स इंपैक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा मिनिमम लॉसेस में तुम्हारा काम निकल जाए ऐसा चीज ठीक है तो ये तुम्हारा दो तरह का चीज होता है ये सब पढ़ने का तुमको जरूरत नहीं रहेगा इन डिटेल इट इज नॉट रिक्वायर्ड नहीं पार्ट ए खत्म हुआ है अभी नेक्स्ट क्या है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस होम टू प्रोड्यूस एंड द टाइप ऑफ इकोनॉमी वाला तो so, ये वाला चीज अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे